तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक ग्रीन स्क्रीन पर्दे का, जिसको मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं ये है उसका पैकेट, यानी कि इतने बड़े पैकेट में हमको एक ग्रीन स्क्रीन पर्दा मिला है जो कि है 400 रुपये का, यानी कि 399 रुपया, लगभग 400 रुपया, 1 रुपया कम है। तो 400 रुपये का हमको देखिए ग्रीन स्क्रीन पर्दा मिला है। अब दोस्तों इसका बेसिकली यूज़ क्या है और मैंने इसे क्यों परचेस किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसको मैंने इस परचेस किया है अपने बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, यानी कि अपने बैकग्राउंड को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए इसको मैंने परचेस किया। इसका इस्तेमाल करूँगा नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसका आखिर यूज़ क्या है। और दोस्तों इसका यूज़ इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री वाले भी करते हैं और जितने भी वीडियोग्राफी बनाते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे आप ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसके बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त के होंगे, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है, वो इस ग्रीन स्क्रीन से बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें मिलता है वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर एक और हमें पैकेट मिला है, वो है देख सकते हैं सफ़ेद कलर का। अब इसके अंदर हम आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के पर्दा है। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। प्लास्टिक को फेंक देते हैं। ये रहा फाइनली हमारा ग्रीन स्क्रीन, यानी कि वो पर्दा जो कि ग्रीन है। अब चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमको कौन कौन से मटेरियल मिलता है। तो दोस्तों ये वो मटेरियल है लाइक्रा का। लाइक्रा आप जानते हैं थोड़ा सा ये फोल्डिंग होता है, बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, आप समझ सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ने वाला भी है और इसमें देखिए इसका चारों कोना बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है सिलाई से, यानी कि और ऊपर साइड में एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके अंदर एक रस्सी लगाने के लिए अंदर से एक बनाया गया है, आप देख सकते हैं छोटा सा, आपको शायद दिख रहा हो। ये देखिए इसके अंदर रस्सी लगाने के लिए, ताकि इसके अंदर रस्सी लगा के इसको ऐसे खड़ा कर सके, इसे ऐसे रख सके। अब देखते हैं ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों जिस वेबसाइट से मैं ख़रीदा था, यानी कि फ़्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे लिखा था 8 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा था। अब हम इसको देखते हैं कि वाकई में हमको 8 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। पकड़ भाई, छोड़ दो। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये पर्दा है, बहुत ही बड़ा है, यानी कि जिस हिसाब से उसमें इसका जो स्पेसिफिकेशन बताया गया है उसके हिसाब से ही ये पर्दा है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है। ये पूरी तरह से डार्क नहीं है, इस पूरी तरह से डार्क नहीं है, आप देख सकते हैं। पूरा डार्क रहता तो थोड़ा सा ये जो पीछे आप देख सकते हैं ये कलर का रहता, लेकिन ये पूरी तरह से डार्क नहीं है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। और दोस्तों जिस तरह मैंने इसका स्पेसिफिकेशन देखा था, यानी कि जिस तरह मैंने उसके फोटोज़ वगैरह में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही उन लोगों ने हमको भेजा है और सेम टू सेम वैसा ही है। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसको इस्तेमाल नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल क्या है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, यानी कि अभी के मुकाबले आगे वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा आपको इम्प्रेशन मिलने वाला है। तो आप दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।